तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ हमने डायग्राम बना लिया है, ए बी एक लेडर है, ये पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेडर नहीं बनाने की जरूरत है, आप एक सिंपल एक लाइन सिर्फ ए बी प्लॉट कर सकते हो, एक सिंपल स्केच हमें जानना होता है क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ए बी हमारी एक लेडर है जो दीवार के अगेंस्ट लीन्ड है और पुल करी जा रही है, ये कोई पुल कर रहा है पॉइंट बी के थ्रू वॉल के अलॉन्ग द वॉल अलॉन्ग द ग्राउंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका रेट दिया गया है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें अगर चेंज अगर हम देख रहे हैं, डी एक्स का चेंज है और टाइम में चेंज कितने का है, डी टी का चेंज है, तो जो ये चेंज है इसका रेट दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू हैव। और यहां पे और पूछा क्या गया है कि हाइट जो है ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, किस रेट से डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि हाइट अगर हमने एच एज्यूम किया है तो इसका जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा, माइनस डी एच, ये डिक्रीज को बताएगा, और डी एच बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, डी टी, ये रेट आपको डिटरमाइन करना है, वो भी तब जब जो फुट से डिस्टेंस से एक्स आपका कितना हो, 4 मीटर हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स और एच में कि कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन है या नहीं है। तो यहां तो साफ दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, आपका एबी क्या हो गया, हाइपोटन्यूज हो गया, एबी हाइपोटन्यूज होने का मतलब हाइपोटन्यूज का स्क्वायर एबी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी आपका 5 हमेशा बना रहना है क्योंकि आप पुल करोगे तो लेडर की हाइट, तो लेडर की लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली है, लेडर की हाइट चेंज हो जाएगी जो वॉल से लगी हुई है और उसकी डिस्टेंस फुट की चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका लेंथ नहीं चेंज होगा। तो ये आपका ए सी दिया गया है, एच स्क्वायर, एच दिया गया है तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ आपका एक सिंपल रिलेशनशिप आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब ये हर इंस्टेंट पे, अगर किसी इंस्टेंट पे आपका एक्स पता है तो आप एच पता कर सकते हो, एच पता है तो एक्स पता कर सकते हो, इसका मतलब इनमें से एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एच आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। खैर सपोज ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है क्योंकि 1 हम ऊपर मान चुके हैं। अब इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड को, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 25। नाउ आर एच एस तो क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप सोचोगे 2x होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, लेकिन गलत है। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में आपका 2x होता है, लेकिन यहां पे आपके पास क्या है, आपके पास है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहां पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा और फिर डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा, ठीक, चेन रूल लगाओगे एक्स स्क्वायर, तो ये चीज तो आपकी 2x हो जाएगी लेकिन डी एक्स बाई डी टी एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, तो यहां पे हमने लिख दिया 2x डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली आप वाई स्क्वायर को डिफरेंस सॉरी एच स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाओगे, यू गेट द सेम प्रॉब्लम, तो 2h डी एच बाई डी टी, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। यहां से 2 आप कॉमन करके उस साइड में भेज सकते हो, वो 0 हो जाएगा, तो यहां से आपका जो डी एच बाई डी टी है एक्स डी एक्स बाई डी टी, एक्स डी एक्स बाई डी टी जो आपका है वो माइनस एच टाइम्स डी एच बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा माइनस डी एच बाई डी टी निकालना ही है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, माइनस डी एच बाई डी टी, माइनस डी एच बाई डी टी आपका कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी एक्स अपॉन एच डी एक्स बाई डी टी। अच्छा यहां पे आपको डी एक्स बाई डी टी गिवेन है दैट इज टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्स और एच निकालना है और एक्स दिया हुआ है, तो यहां पे हमें हमने कह दिया एक्स तो हमें पता था,
x हमारा आ गया 4 मीटर। तो h निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यहां पे पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें एक वेरिएबल पता तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आप ये 16 हो जाएगा, 25 से जाके सबट्रैक्ट होगा, 9 बचेगा, लेकिन वो h स्क्वायर है तो h आ जाएगा आपका 3। अब आपके पास तीनों चीज आ चुकी है, dx by dt भी आपको दिया गया था, x भी दिया गया था, x की हेल्प से आपने h निकाल रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस dh by dt जो हो गया, दैट इज x की वैल्यू हम लोग 4 प्लेस कर देंगे तो 4 by 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट कम्स आउट टू बी 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।